यूपी की वो तेज तर्रार महिला पुलिस अफसर जिसे IRS होने का झांसा देकर ठग ने रचा ली थी शादी। आम लोगों से शादी के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इस बार यूपी की तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर डिप्टी SP श्रेष्ठा ठाकुर भी इसकी शिकार हो गयी। जिस व्यक्ति को IRS अधिकारी समझकर श्रेष्ठा ठाकुर ने शादी रचाई थी, असल में वो एक ठग निकला। दरअसल महिला अधिकारी मेट्रोमोनियल साइट के जरिए रोहित राज नाम के शख्स से मिली थी। उसने खुद को 2008 बैच का IRS अधिकारी बताया था और रांची में कमिश्नर के पद पर अपनी पोस्टिंग का दावा किया था। महिला अधिकारी ने जब इसे वेरीफाई किया तो रांची में इस नाम के अधिकारी की पोस्टिंग थी। ठग ने एक जैसा नाम होने का फायदा उठाया और रांची में पोस्टेड अधिकारी के नाम का इस्तेमाल किया। सबसे पहले आपको बता दें, आखिर कानपुर की रहने वाली श्रेष्ठा ठाकुर कैसे यूपी की लेडी सिंघम बन गई। श्रेष्ठा बचपन में छेड़छाड़ की शिकार हुई थी। इसके बाद जब वो पढ़ाई के लिए कानपुर पहुंची तो उन्होंने देखा मंजले अक्सर कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ा करते थे। श्रेष्ठा ठाकुर ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसे उस समय से गंभीरता से नहीं लिया गया। उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि वो खुद पुलिस अफसर बनेगी और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। श्रेष्ठा ठाकुर के इस फैसले में उनके परिवार के लोगों ने उनका साथ दिया और साल 2012 में वो UPPSC की परीक्षा पास कर पुलिस में DSP बन गई। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद अपने त्वरित एक्शन और केस सुलझाने की तार्किक क्षमता की वजह से उन्हें राज्य के तेज तर्रार पुलिस अफसरों में गिना जाने लगा। नौकरी के 6 साल बीतने के बाद श्रेष्ठा ठाकुर ने IRS अधिकारी समझकर ठग रोहित राज से शादी कर ली, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से श्रेष्ठा ठाकुर के सामने जल्द ही उसकी सच्चाई आ गई। श्रेष्ठा ठाकुर को अपने पति की फर्जीवाड़े का पता चल गया, जिसके बाद भी शादी को बचाए रखने के लिए वो चुप रहे। इसके बाद आरोपी ठग रोहित राज अपनी पत्नी श्रेष्ठा ठाकुर के नाम पर लोगों को डरा धमका कर पैसों की वसूली करने लगा, जिसकी शिकायत डिप्टी SP श्रेष्ठा ठाकुर तक पहुंचने लगी, जिसके बाद उन्होंने शादी के 2 साल बाद ही धोखेबाज पति से तलाक ले लिया था।